आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लॉग बैक नेडियन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, मैंने ब्लाउज कट कर लिया, इसका लाइनिंग भी कट कर लिया और देखिए इसके डिजाइन के लिए मैंने अलग से रेड कलर का कपड़ा लिया। देखिए इसके हम डिजाइन डालेंगे, इसे हम साइड में रख लेते हैं। मैं ब्लाउज को साइड बताती हूँ आपको। ब्लाउज की जो लंबाई है 15 इंच ली है, तैयार में 14 इंच आएगा। ये जो मैं मार्जिन लिया है फोल्ड करने के नीचे, ये हम 34 साइज में आ रहे हैं। डबल फोल्ड में 8 इंच ले लिए, 2 इंच हमारा मार्जन है इसमें। शोल्डर 6 इंच लिए, मुड्डी में 6 इंच लिए, उसमें हमें 1.5 इंच की गुलाई दी है। देखिए हम ब्लॉक को साइड में रख लेते हैं, पहले लाइनिंग पे कट करेंगे हम डिजाइन। देखिए शोल्डर से 2.5 इंच पे निशाना लगा लेते हैं। इसकी जो लंबाई लेंगे 12 इंच लेंगे। बॉक्स बना लेते हैं और देखिए इसमें हम इसको थोड़े राउंड शेप देंगे। तो देखिए हल्का सा इसमें बाहर निकालेंगे। देखिए इसमें सेम टॉपिक हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह हमने कट कर लिए। देखिए हम सेम ब्लाउज पे भी कट कर लेते हैं नेक। देखिए इस समय ब्लाउज पे भी कट कर लिए नेक। देखिए नीचे में ब्लाउज रखा है सीधा, इसके ऊपर मैं लाइनिंग रखूंगी इस तरह और हम पूरे में राउंड में सिलाई लगा के इस अंदर पलट देंगे। देखिए जो हमने लाल कलर का कपड़ा लिया था, इसकी जो चौड़ाई ली हमने 9 इंच ली है और इसकी जो लंबाई ली हमने 4 इंच ली है। तो देखिए इसे हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह और इस तरह हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेते ऊपर सेम इस तरह कट कर लेते हैं। इस तरह में कट कर लिया, देख सकते हैं इस तरह नीचे हम इक्वल कर लेते हैं इस तरह और सेम ढाफ के लाइनिंग भी कट करूंगी इसका। देखिए इस तरह मैं इसका लाइनिंग भी कट कर लिया और देखिए इस तरह इसे हम सीधा रखेंगे, इसको इस तरह रखेंगे और इस तरह ऊपर से सिलाई लगाएंगे, फिर पलट देंगे हम अंदर दूसरा पीस लिया। इस तरह हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। यहां से इस तरह 2 इंच में निशान लगा लेते हैं। यहां से इस तरह यहाँ पे 2.5 इंच पे और इसमें हम राउंड शेप देंगे। इस तरह सेम इस तरह कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह इसका भी हम लाइनिंग कट करेंगे। देखिए मैंने दूसरा पीस लिया, देखिए इस तरह ये डबल फोल्ड है। देखिए दो पीस है, देखिए इस तरह मैं ये इस तरह रख लेता हूँ और जो इसकी शेप देंगे, देखिए यहाँ से इसकी शेप दी हुई है। देखिए पहले से इस तरह गोलाई में, तो देखिए इस तरह इस तरह इस तरह कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह और एक साइड से हम स्ट्रेट कट कर लेते हैं इस तरह। इसकी जो चौड़ाई ली हमने 3 इंच ली है और इसकी जो लंबाई ली है 2.5 इंच ली हमने। सेम राफ के इनके भी लाइनिंग कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने इसकी लाइनिंग कट कर ली है। अब मैं आपको इसका सिलने का मसला आती हूँ। देखिए नीचे मैंने ब्लाउज सीधा रखा है और इसके ऊपर मैं लाइनिंग रखूंगी, पूरे राउंड हम सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है और हम इस तरह अंदर फोल्ड करेंगे इसे लाइनिंग को इस तरह और इसके ऊपर सिलाई लगा दी। देखिए इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है
देखिए इस तरह हमने नीचे सीधा रखा है, इसको हम लाइनिंग रखेंगे और इस तरह हम सिलाई लगा देंगे इसमें। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी है, देखिए पीछे हम एक कट दे देते हैं और इस तरह इसके ऊपर भी सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैं ये तैयार कर लिया, इसी तरह मैं तीनों तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने साथ तैयार कर लिया, अब उसमें लेस लगाएंगे हम गोल्डन कलर की। तो देखिए इस तरह रखा हमने और इसके ऊपर इस तरह हम लेस लगा देंगे। देखिए इस तरह, इसी तरह मैं यहाँ पे भी लेस लगा देती हूँ ऊपर। इस तरह में लेस लगा दिए, अब जो हमारे ये हमारे नीचे वाला है यहाँ पे हम लेस लगाएंगे नहीं, बाद में लगाएंगे इसमें। पहले इस तरह इसे अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह यहाँ पे हम सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह जो हमारा गुलाई वाला जा रहा है वो इस तरह रखेंगे हम इसमें, इस तरह। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह हमने लगा दिया, अब हम इसमें लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह में लेस लगा दिए, देखिए इस तरह हम इसे रखेंगे नीचे, देखिए इस तरह रखेंगे और इसको पहले ब्लाउज रखेंगे हम। देखिए जो हमारा सेंटर जा रहा है ब्लाउज का भी, हम सेट कर लेंगे और पिन से सेट कर लेंगे पूरा। देखिए इस तरह मैंने पूरा सेट कर लिया नीचे से। और देखिए हमने ये मोती वाली लेस ली है और ये गोल्डन कलर की लेस ली है, पूरे नेक में लगाएंगे हम। देखिए जो मोती वाली लेस ली हमने इस तरह नीचे रखेंगे और जो गोल्डन कलर की ली है वो इस तरह पूरे में सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह पिन निकाल देंगे। देखिए इस तरह मैं पूरे नेक में लेस लगा दी, अब नीचे हम फिनिशिंग देंगे, प्लेट डालेंगे। देखिए बीच में जो मैंने डबल फोल्ड कर लिया, इस तरह हम 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं। देखिए प्लेट की जो लंबाई है वो 3 इंच है। इसी तरह मैं दूसरी साइड निशान लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह बीच में से डबल फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच छोड़ के सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह में प्लेट डालती है, इस तरह में दूसरी प्लेट भी डालती है और नीचे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह में फिनिशिंग दे दी नीचे, देख सकते हैं हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देखिए नीचे फिनिशिंग दे दी, मैं प्लेट पर डाल दी और देखिए पूरे में लेस भी लगा दी, बीच में लेस लगा दी। देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आया हमारा ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना भूले। थैंक यू।